देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है, जहां बीरपुर कांड का एक आरोपी गौरव कुमार को 4 अप्रैल 2023 की सुबह रामदियारी थाना मटिहारी जिला बेगूसराय को गिरफ्तार कर लिया गया है और अधिकारी ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी है। कैसे मिली है सफलता? 30 मार्च को बीरूपुर थाना अंतर्गत शर्माटाल गांव में गोलीबारी कर श्रवण की हत्या की गई थी। उस गोलीबारी में राजू सहित 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। अति संवेदनशील ये घटना थी। उस घटना में संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा यह घटना किया गया है, जिसमें घटनास्थल पर उपस्थित घटना में शामिल 4 अपराधकर्मी की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आज 5वें अभियुक्त जो गोली फायर करने में था की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव रामदेरी बेगूसराय का रहने वाला है। गौरव के विरुद्ध वर्ष 2016 में लखीसराय जिला अंतर्गत कवैया ओपी क्षेत्र में पचना रोड के पास बैंक लूट की कोशिश हुई थी, उसमें गोली चली थी, उसमें वो शामिल रहा था। साथ ही बेगूसराय के मटियानी थाना अंतर्गत, बेगूसराय थाना अंतर्गत सहित लगभग आधा दर्जन कांडों में आर्म्स बरामदगी के मामले में सहित अन्य मामलों में यह शामिल रहा है। इसकी गिरफ्तारी लखीसराय पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। इसकी गिरफ्तारी से जो संगठित गिरोह है जिसके द्वारा ये घटना किया गया है, उसका मनोबल टूटेगा और धीरे धीरे इस गिरोह के सभी सदस्य के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई जल्दी ही कर लिया जाएगा। लखीसराय में किसके लिए काम करता था सर? ये जो हत्या की घटना हुई है, इसमें प्रिंस के द्वारा जो गोली मारने की घटना हुई, प्रिंस टिट्टू धमाका का आदमी है जो एक संगठित गिरोह चलाता है। टिट्टू धमाका का ही ये सारे सागिर्द हैं और उसके इशारे पर, उसकी सहमति पर यह घटना हुई है। उक्त घटना में घटनास्थल पर 3 मोटरसाइकिल से 6 से 7 आदमी थे, लेकिन इसके सपोर्ट में टिट्टू धमाका का ही ये सारे सागिर्द हैं और उसके इशारे पर, उसकी सहमति पर यह घटना हुई है। उक्त घटना में घटनास्थल पर 3 मोटरसाइकिल से 6 से 7 आदमी थे, लेकिन इसके सपोर्ट में लगभग 7-8 अपराधकर्मी बगल में थे, क्योंकि मेला के बाद भीड़ के आसपास ये गोलीबारी की घटना हुई थी। इसीलिए ये बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है।